रहे हैं। तुम नकली पत्रकार हो यार, आज के बाद कैमरा लेके इधर जंतर मंतर पे नहीं आना। नकली पत्रकार मेरे इस बात का प्रधानमंत्री से सवाल करना आतंकवाद है। बिल्ली की तरह मैं मत करो मेरी बात। वोट करके और ये उंगली पर काली स्याही लगा लेना ये लोकतंत्र नहीं है। इसको ऐसे करते रहना भी लोकतंत्र है। सत्ता को स्याही लगाया जाता है कि वोट दे दिए अब ऐसा करो। तुम पर सवाल इसलिए उठता है तुम्हारी डिग्री पर भी क्योंकि तुम बिके हुए लोग बिकाऊ लोग। तुमको सवाल करना चाहिए वहाँ पर, तुम्हारी दम नहीं है, हट्टी है वहाँ जाके सवाल करने की। मीडिया बदलाल है, बिकाऊ है और एक नंबर का भ्रष्ट मीडिया। आपको पैसा दिया है तो आप मोदी मोदी कर रही हो। ऐसी बात करें, सवाल पूछ लिया तो कह रहे हैं आपको पैसे दिए। सवाल का जवाब तुम तार्किक करो ना यार। मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है? क्या मुमकिन है? मोदी है तो बेरोजगारी है, अच्छा मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो जनता का बुरा हाल है, मोदी है तो बेटियों को इंसाफ नहीं है। ये बताओ ना, ये क्यों नहीं बताती? मोदी से पहले आप कौन सा डीएसपी लगे हुए थे? मोदी से पहले मैं एक अच्छा खासा मिडिल क्लास था। आज हालत खराब है। आज आप मुंबई से दिल्ली आ गए और आप कह रहे हैं हालत खराब है। अच्छा, मुंबई से दिल्ली गरीब नहीं आता है क्या? अमीर आता है। सवाल पूछना पत्रकारिता इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए आप कह रहे हैं ना, आप लोग आंदोलन छवि खराब करने की, आप लोग आप लोग प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछे कि प्रचार जीवी कौन है, कैमरा जीवी कौन है? प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाना है तो करना पड़ेगा ना। देश को छोड़ के एक राज्य का इलेक्शन का प्रचार करेंगे और देश को लवारी छोड़ देंगे? कौन सा डेमोक्रेसी ये कहता है कि जनता को छोड़ दो तो विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? फिर आग लग रही थी मणिपुर में, क्यों नहीं कुछ बोल रहे? जम्मू कश्मीर में वो मारे जा रहे हैं, चंगा सी है बहुत। 2024 में विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, वो डंका तुम लोग बजा रहे हो। लेकिन सर आप चलिए, लोग उनकी छवि खराब करेंगे। लेकिन आप लोग उनकी छवि, पैसा लेके तुम छवि बना रहे हो, हम सच बोल रहे हैं तो छवि खराब हो रही है। चलिए सर मुद्दे की बात करती हूँ। चलिए बिकाऊ दलाल हो तुम लोग। चलिए सर मुद्दे की बात, मीडिया दलाल है, बिकाऊ है और एक नंबर का भ्रष्ट मीडिया। और मेरे को सबसे बड़ा हंसी कब आता है, फलाना चैनल सच को रखे आगे, इसको रखे पीछे। और वर्ल्ड फ्रीडम मीडिया के फ्रीडम में हमारा 166वें नंबर पर रैंक में आ रहा है, तो आप 191 देते हो। आप लोग का डबल स्टैंडर्ड है ना। क्या? पहले आप लोग एफआईआर की मांग किए, एफआईआर हो गई, अभी तक नहीं गए आप लोग। अच्छा एक मिनट, तुम कहाँ तक पढ़े हो? तुम्हारी डिग्री पे शक हो रही है, बॉक्सों में क्या होता है? चलिए सर मुद्दे की बात, मुद्दे की बात पे आते हैं। बॉक्सों में क्या होता है वही तो बोल रहा हूँ। सवाल का जवाब, सवाल करने पर डिग्री पूछने लगते हैं आप। इसलिए कि सवाल तार्किक नहीं होता ना, इसलिए डिग्री पूछना पड़ता है, शक हो जाता है अभी। मीडिया सवाल करेगा तो कह दो गोदी मीडिया, फिर सवाल करेगा तो डिग्री पूछो। सवाल जवाब दीजिए, अब जवाब नहीं आपके पास। बार बार कह रहा हूँ मीडिया सवाल कौन सा करना, अरे चुप यार। मीडिया कौन सा सवाल करना चाहिए? आम कैसे काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? वो तो मीडिया का आदमी नहीं था, कौन तो एक्टर थे। अच्छा तो फिर थकते क्यों नहीं? ये मीडिया का आदमी था कि नहीं, ये पूछना तो क्या? 18 घंटे काम भी तो करते हैं, थकेंगे नहीं? 18 घंटे काम भी तो करते हैं। 18 घंटे काम का ये नतीजा कि देश में बेरोजगारी 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है, ये है परिणाम। लेकिन महंगाई की बात करो, सिलेंडर 414 से 1200 रुपए आ गया। गरीब त्राईमाम कर रहा है। और देखो भाई सवाल ढंग के पूछा करो, अदरवाइज। लेकिन सर चलिए सुनो मेरी बात, जिससे तुमको सवाल करना चाहिए वहाँ पर तुम्हारी दम नहीं है, हट्टी है वहाँ जाके सवाल करने की। वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं 1000 रुपए पेट्रोल होगा लेने के लिए तैयार हैं देश को, लेकिन विश्व गुरु बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि सवाल करने पड़ती है। विश्व गुरु कैसे बनाओगे? बेरोजगार बनाकर, भुखमरी लाकर। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कितने नंबर पर है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कितने नंबर पर है? चलिए सर मुद्दे की बात पर आते हैं। आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पर है, लेकिन अमित शाह तो लगातार दावे कर रहे हैं ना कि 2024 में भाजपा आना तय है। आप लोग मुझे ही क्यों काउंटर करते हो? अमित शाह के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप सवाल उठ खड़े करते हैं ना। मोदी जी को अच्छा काम करें, आप सवाल खड़ा कर देंगे। अब एक बात बताइए, सत्ता जो कहती है वो अगर नहीं करती है तो उसका दायित्व सवाल पूछने का किसको है? विपक्ष को है। मीडिया क्या गुहिया छिलेगी? अरे मीडिया के सवाल, मीडिया गुहिया छिलेगी क्या?
मीडिया का काम है दिखाना, जो आप पूछे वो भी, और जो सरकार दोनों से किससे पूछ रहे हो? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से सवाल पूछना है। अभी आप मिले हो, आपसे सवाल हो रहा है, वो मिलेंगे उनसे सवाल किया जाएगा। मेरा यही तो प्रश्न है आप लोगों से, जनता से क्यों नहीं पूछती, जनता से क्यों पूछ रहे हो? तो जनता सत्ता से पूछना सर, सत्ता में कौन है? जनता है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं लेकिन सड़कों पे कहाँ है जनता? महंगाई की आप लगातार महंगाई की बात करें, कहाँ है जनता सड़कों पर? कर्नाटक में नहीं देखे सड़क पर जनता नहीं मिली, परिणाम क्या आया? हाँ वही आएगा। लेकिन अमित शाह जी दावा कर रहे हैं चाणक्य कहा जाता है भाजपा में, तो जो कहते चाणक्य इस प्रकार के थे, जो चाणक्य चाहते तो चंद्रगुप्त को राजा बनाते, खुद ना बन जाते। चाणक्य दूर दृष्टि रखते थे। चाणक्य के बारे में जानती हो आप? पूछूं बताओगी? मैं बिल्ली की तरह मैं मत करूं सर, मेरी बात चाणक्य मैं अभी मैं भी तो सवाल कर रहा हूं ना, मैं गलत हूं क्या? आप चाणक्य की बात कर रहे हैं, चाणक्य क्या जीवन जो है, चाणक्य एक बहुत महान व्यक्ति थे, चाणक्य एक महापुरुष थे, चाणक्य एक दूरदृष्टि रखते थे। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा उस देश की प्रजा भिखारी नहीं है। आज चाणक्य चाणक्य के बारे में क्या जानती हैं आप? तभी तो कहते हैं क्या जानती हो चाणक्य? मैं इसलिए तो तुम्हारी पत्रकारिता पर सवाल करता हूँ। गृह मंत्री है चाणक्य, गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री है हाँ अमित शाह। चाणक्य अमित शाह, अभी बोल लूंगा तो भाई बुरा लग जाएगा। बोलिए बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? चाणक्य अमित शाह और चाणक्य की बराबरी की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी उनको चाणक्य मानती है, वो कुछ भी माने, हर जगह चुनाव जिता लेते हैं। मोदी जी को तो भारतीय जनता पार्टी विष्णु का भी अवतार मानती है। हाँ। तो क्या वो हो गए? हाँ। सोशल मीडिया की सीढ़ी पर? हाँ। इस बार हम जनता लठ लेके बैठे रहे। अच्छा लठ लेके बैठेंगे? संविधान नहीं है देश में, लठ मतलब हमारा वोट। अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हाँ। सिर्फ वोट करके और ये उंगली पर काली स्याही लगा लेना, ये लोकतंत्र नहीं है। इसको ऐसे करते रहना भी लोकतंत्र सत्ता को। लेकिन सर लगातार इसीलिए स्याही लगाया जाता है कि वो दे दिए अब ऐसा करो, लेकिन हम नहीं किए तो आज हमारा बर्बादी देख रहे हम। हाँ। लेकिन आप लगातार डिग्री पे सवाल उठा रहे, तो मोदी जी की तो डिग्री देखी? मुझे आपके डिग्री पे शक है, आप फालतू सवाल कर रहे हैं। मोदी जी की डिग्री पे आप मुझे आपकी डिग्री दिखाइए, मोदी जी की डिग्री पे आप लोग सवाल खड़े? मैं कहाँ से पूछा डिग्री? पूछा मैं लगातार पूछते हैं ना। हाँ तो डिग्री तो है तो दिखा दो ना। तो अमित शाह जी ने दिखाई है भरोसा? अमित शाह के क्या भरोसा करे? मोदी जी पब्लिकली कहते हैं कि भाई बहनों मेरी कोई ज्यादा शिक्षा विक्षा नहीं हुई। नहीं ये पूछ रहे हैं, ये दिखाऊं वीडियो? हाँ ढूंढ लेना। हाँ। तो अब जिसका डिग्री कोई और दिखा रहा है। हाँ। और जिसकी डिग्री है वो बोलता है मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। हाँ। तो मैं किसकी बात मानूं? दोनों में से कौन सच्चा है? तो देखिए अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे हैं। मैं नहीं डिग्री पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये जबरदस्ती तुम्हारी डिग्री दिखाओ, तुम्हारा डिग्री तुम दिखाओ। मेरा ये बोलना है मीडिया ने सही जनता से रिलेटेड सवाल करो। हाँ सत्ता की चाटुकारिता मत। तो जनता तो खुश है ना भाजपा सरकार? तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें दे रहा है जनता सड़कों पे नहीं है। आप महंगाई की बात करें, कोई जनता सड़कों पर नहीं है, जंतर मंतर पर देख लीजिए महंगाई के लिए कोई भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। जंतर मंतर रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ जनता दिखती है। यहाँ पे यूपी में, यूपी में निकाय चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को एक मुस्त वोट मिला है। आप कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं है? क्या क्या यूपी में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला? इसलिए तो कह रहा हूँ फर्जी पत्रकारों तुम लोग को, निकाय चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ी जाती है और लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर। ये तुम लोग को ये दोनों में फर्क नहीं आता तो तुम लोग पत्रकार का मतलब? जहाँ जनता बीजेपी को वोट दे वहाँ पे लोकल मुद्दे, और जहाँ न दे वहाँ लोकल मुद्दे नहीं।